गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए बीजेपी सरकार शुरू से ही वचनबद्ध है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंगा को अविरल और निर्मल बनाने की एक और मुहिम की शुरुआत आज से ही कर रहे हैं। गंगा यात्रा को हर जिले में केंद्रीय मंत्री और योगी सरकार के मंत्री आगे बढ़ाएंगे। 27 से 31 जनवरी तक चलने वाली इस यात्रा का समापन कानपुर में होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बिजनौर के सबलगढ़ से गंगा यात्रा का शुभारंभ करेंगे, जबकि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बलिया के दुबे छपरा में गंगा यात्रा का शुभारंभ किया है। दोनों गंगा यात्राएं 27 जिलों की 1026 ग्राम पंचायतों से निकलेंगी। इस गंगा यात्रा में राज्यपाल आनंदीबेन और सीएम योगी के कई अन्य नेता शामिल होंगे। गंगा यात्रा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी शामिल होंगे। यूपी के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा भी गंगा यात्रा का हिस्सा होंगे। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और महामंत्री संगठन सुनील बंसल के अलावा जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह समेत यूपी कैबिनेट के कई मंत्री शामिल होंगे। अब देखना ये होगा कि सीएम योगी की इस गंगा यात्रा से गंगा पूर्ण रूप से साफ और स्वच्छ हो पाएगी। न्यूज डेस्क।